गुरुदेव कटनी मध्य प्रदेश से डॉक्टर विनय जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी यह जिज्ञासा है कि क्वांटम फिजिक्स के अनुसार एनर्जी फोटोन के रूप में एमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है। सनलाइट, यूवी लाइट, इंफ्रारेड, ये सभी एनर्जी के विभिन्न रूप हैं। फिजिकल वर्ल्ड इसी एनर्जी से चलता है, तो फिर डिवाइन एनर्जी किसे कहते हैं? क्या डिवाइन एनर्जी भी फोटोन के रूप में कार्य करती है? एनर्जी तो एनर्जी होती है, तो फिर वह पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हो जाती है? क्या फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में अंतर होने से ऐसा होता है? गुरुदेव कृपा समाधान करें। बहुत अच्छा सवाल है। वर्तमान में एनर्जी साइंस पर बहुत काम हुआ। एक लंबे समय तक एनर्जी को मैटर से एक अलग पदार्थ माना जाता था, क्वांटम फिजिक्स का एक अंग था। लेकिन जहाँ तक मुझे स्मरण है, एडिंगटन ने सर्वप्रथम ये साबित किया कि एनर्जी और मैटर एक ही वस्तु के दो नाम हैं। मैटर को एनर्जी में और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। जहाँ तक सवाल है डिवाइन एनर्जी की, एनर्जी का और एनर्जी के पॉजिटिव और नेगेटिव होने का, तो एनर्जी एनर्जी है। उसकी जो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी है वह उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर निर्भर करती है, ऐसा हम कह सकते हैं। हालांकि अगर हम जैन पदार्थ विज्ञान के आधार पर विचार करें तो इस एनर्जी की समूह को हमारे यहाँ वर्गना शब्द से जाना जाता है। वर्गना का मतलब होता है सजाती पुद्गल परमाणुओं का समूह। विभिन्न प्रकार की वर्गनाएं हैं और उनकी जातियां भी बताई। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि शुभ वर्गनाएं कैसी होती, अशुभ वर्गनाएं कैसी होती। जब हम पॉजिटिविटी जहाँ ज़्यादा होती है तो वहाँ शुभ वर्गनाओं का बाहुल्य होता है और वो हमारे द्वारा ग्रहण करने में आती है, और जहाँ नकारात्मकता होती है वहाँ अशुभ वर्गनाओं का बाहुल्य होता है और वो भी हमारे ग्रहण करने में आती है। इस आधार पर हम अगर कहें तो शुभ अशुभ वर्गनाएँ हैं, इनका स्पर्श, इनका स्वाद, इनकी गंध और इनकी रंग तक में विभिन्नताएं बताई गई, और ये चारों चीज़ें हर एनर्जी में होती क्योंकि वो मैटर की प्रॉपर्टी है। तो अब साइंस इस विषय में क्या कहता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारा पदार्थ विज्ञान इस बात को कहता है कि ये दोनों तरह की वर्गनाएं होती है, इसलिए एनर्जी में नकारात्मकता और सकारात्मकता को माना जा सकता है।